टॉन्टो न्यूज। सहारनपुर में जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन रहा अलर्ट, सुरक्षा के रखे पुख्ता इंतजाम। अब खबर विस्तार से। उत्तरांचल के हल्द्वानी में कल हुई हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश के संवेदनशील जनपदों में शांति व्यवस्था बनाए जाने को लेकर यूपी पुलिस भी हाई अलर्ट पर हो रही है। कल से ही सब जगह पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है और सर्व समाज के लोगों से पुलिस प्रशासन वार्ता कर शांति की अपील कर रही है। सहारनपुर में भी आज जुमे की नमाज के दिन पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में जुमे की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। सहारनपुर के SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि आज जुमे की नमाज को लेकर सभी पक्षों में लगातार वार्ता जारी है, सौहार्दपूर्ण वातावरण है। व्यापारी वर्ग व गणमान्य व्यक्तियों से वार्ता की जा रही है। उन्होंने बताया कि सभी जगह पुलिस फोर्स की मोबाइल लगाई गई है, पुलिस फोर्स की मोबाइल भ्रमण पर है। सभी पुलिस अधिकारियों को अलग अलग क्षेत्र बांटा गया है जिसमें कोई समस्या न हो, इसके लिए पूरी तैयारियां की गई है। सहारनपुर से महेश कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जी, आज जो शुक्रवार को जुम्मे की नमाज है, इसको लेकर सभी पक्षों से लगातार वार्ता की गई है और सौहार्दपूर्ण वातावरण है। सभी जगह फोर्स की मोबाइल है, पुलिस बल मोबाइल है, अधिकारी भी भ्रमण पर है। मैं स्वयं यहाँ घंटाघर पर उपलब्ध हूँ और यहाँ पर भ्रमण कर रहा हूँ शहरी क्षेत्र का। अलग अलग अधिकारियों को अलग अलग क्षेत्र बांटा गया है सुपरविजन के लिए और कहीं कोई समस्या ना आए, इसके लिए पूरी तैयारी है और हमें उम्मीद है कि कोई दिक्कत आएगी। क्षेत्र के अंदर पास पास के राज्य में हल्द्वानी में हुआ है मामला, उसके लिए कोई यहाँ पर ये इसमें हमारे सभी पक्षों से बात हुई है, जो हमारे सम्मानित धर्मगुरु हैं, जो हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं, इनसे हर स्तर पर वार्ता हुई है। कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं बताई गई है और संवाद और समन्वय के जरिए हम सकुशल सारे कार्यक्रम संपन्न करवाएंगे।